78 ರನ್ ಇಕಟ್ಟ ಕೇತಿ चार ओवर का मुकाबला है बिल्कुल 78 रन इकट्ठा किए और अपील की है लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। पहली गेंद के ऊपर लगी थी लेकिन सिंगल मिली और सिंगल के साथ टीम का खाता ओपन हो चुका है 1 रन। अमर आए गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए। मुझे यकीनन के साथ लगभग देखा जाए तो ये कांटे का टक्कर का मुकाबला है, संघर्ष बना मुकाबला है, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला कड़ा है, ये मुकाबला बड़ा है। इस मुकाबले के अंदर 440 का करंट है, इस मैच में रगड़ा है, ये मैच तगड़ा है, ये मुकाबला टाइट है, इसलिए मुकाबला फाइट भी हो सकता है क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज है। शायद यंगस्टार खारपड़ा टीम की कुछ भी करिश्मा दिखा सकता है लेकिन पहले रोम दिया है, एलिवेशन कम है, बाहर गेंद जा रही है लग रहा है और यह गेंद देखिए लॉन्ग ऑन पिला खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रन के लिए छक्का। और अनिरुद्ध पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो और एक गेंदबाज है वो अमर, वो भी पिछले मैच के हीरो, हीरो के सामने हीरो, गेंदबाजी हीरो के करेंगे बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मैच में जिन्होंने 78 रनों की पारी खेली थी वो बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है। राउंड विकेट गई, क्या उठा के मार दिया है रोहित शर्मा की याद दिलाई बेहतरीन गगन दमामा छक्का। और वहाँ धन्यवाद हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा है, वहाँ कमेंट्री वीएस लक्ष्मण, निखिल चोपड़ा जी और इरफान पठान कर रहे हैं लेकिन इस बार शायद पीछे गेंद को पकड़ने जा रहे हैं और बल्ले से रन आ चुकी है यानी कि सिंगल आई है और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 14 के घर में। यस यस बोलिए। देखिए 267 स्कोर बन चुका है हिंदुस्तान देश का 2 विकेट के नुकसान पे। 39.3 ओवर का मुकाबला अभी तक चालू है। अंपायर कुमार धर्मसेन है। गई, जाने दो जाने दो। अरे यार कमाल की कैच ली यार, मुझे लग रहा था कि ये कैच नहीं हो सकती लेकिन बेहतरीन डीप मिड विकेट के कैच लिया, वाह। और राकेश जैसे बल्लेबाज शायद आउट होके ड्रेसिंग रूम में निराश है खुद पे। यंगस्टार खारपड़ा टीम की पहली विकेट गिरती हुई, टीम का स्कोर देखा जाए 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे और नए बल्लेबाज 1 डाउन के रूप में जा चुके हैं 3 नंबर के ऊपर हर्षद। अब दोनों धाकड़ बल्लेबाज मैदान के ऊपर है जिन्हें 2 जर्सी मिल चुके दोनों को और 1 गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच मिला, यानी कि देखिए एक ऐसा समीकरण आया है इस मैदान के ऊपर, तीनों हीरो सामने सामने हैं। लेकिन गेंदबाज यहां अमर जी ने शायद 2 छक्के लगने के बाद विकेट निकाल दी और ये देखिए शायद लेकिन शॉट थर्ड मैन, इस प्रकार देखा जाए तो शायद कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, ओवर की समाप्ति होती हुई। तो यानी कि यह पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मुझे लग रहा है शायद ये अनिश्चितताओं का खेल जरूर है क्रिकेट, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत
लोकप्रिय बन चुका है. इसका कारण यह कि 25 जून 1983 का वो विश्व कप, अगर वो विश्व कप कपिल देव साहब जीतते नहीं तो तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर नहीं होता. सही है अमित सर, अपना अतिशय चांगल नियोजन अपन यह करता है, आठवणी दाखवता है आम्हाला. क्रिकेट मुला पूरा विश्व यठिका रंगून गेल है. ऑल टू अमित सर. बिल्कुल रोटी मामा, अगर वो कैच भी रिजेक्ट के लेते नहीं, हम तो शायद 82 में पैदा हुए थे. 83 का विश्व कप था, वीएन रिचर्ड का क्या, अगर कपिल देव साहब पकड़ते नहीं तो भारत वह विश्व कप जीतने वाला नहीं था दोस्तों. वह चमत्कार हुआ और चमत्कार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज को ब्रेक दिया. सल्यूट करना पड़ेगा पितामह कपिल देव साहब जी को. 25 गेंद थी, बल्लेबाज शायद कट करने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. जीवन आए गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए कप्तान ने उन्हें इस्तेमाल किया है. ये कांटे के टक्कर का संघर्षपूर्ण मुकाबला है. इस मुकाबले के अंदर जो जीतेगा वो शायद सुपर थ्री में पहुंचेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा. ये देखिए एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर मोड़ दिया है, गेंद को उठाने जा रहे हैं. तब तक के लिए काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है, गेंद को उठाया, तब तक के लिए सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जाता है रमेश जी गलत 15 के घर में. यस संतोष जी बता रहे 15, इतना संतोष का गणित मजबूत था तो क्यों पीछे पड़ गया. लेकिन अच्छा योगदान देते रहते हैं. होटल में गए और 12-13 पाव खाए और ये गेंद रूम दिया है, उछाल दिया है. देखिए तमाशा, हवाई यात्रा पे टाटा बाय बाय. बिल्कुल डीजे मास्टर आप मंदाबाई लगाइए. मंदाबाई लगेगा तो ये बंदा नाचेगा. बिल्कुल हाँ, मंदा नहीं लगेगा तो बंदा नाचेगा नहीं, ध्यान में रखिए. अगले बार डीजे मास्टर हाँ मंदाबाई. 3 छक्के लगातार अनिरुद्ध ने शायद देखा जो आपने खुद के लिए लगाए हैं, लेकिन टीम के लिए लगभग देखा 3रा छक्का आया है. जीवन के ऊपर हमला किया, हवाई रूम दिया और उछाल दिया. इस बार देखा जाए तो शायद काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए. जीवन ओ मनोज छक्को की बौछार होने जा रहा है. देखिए ठुकम ठोक, धन्यवाद संतोष मात्रे. 27 स्कोर और यहाँ इंजन गर्म हो चुका अनिरुद्ध का. एक बार देखिए कदमों का जरूर प्रयोग किया है. गेंद को एक बार फिर से काउ कॉर्नर के खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, तब तक के लिए सिंगल मिली और सिंगल के साथ यंगस्टार खारपड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 28 पे. यंगस्टार खारपड़ा बनाम श्री गणेश दुश्मी के बीच ये मुकाबला चल रहा है. टॉस का बॉस बन चुकी है श्री गणेश दुश्मी टीम, जिन्होंने किया गेंदबाजी करने का फैसला और यंगस्टार खारपड़ा टीम को आमंत्रण दिया है कि बल्लेबाजी करने के लिए. 28 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे. ये किनारा लगाता लेकिन विकेट कीपर अगर इस कैच को पकड़ते थे तो बड़ी मछली जाल में फंसने वाली थी, लेकिन विकेट कीपर के हाथ से ये गेंद जमीन को दान हुई. कैच छूटी और कैच छूटा, दिल टूटा. इस बार देखा जाए तो फील्डर का और गेंदबाज का, यानी कि इस बार पहला ओवर समाप्त हो चुका है, दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है और दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर इस बार देखा जाए 29 रन 1 विकेट के नुकसान के. पानी संतोष मात्रे. एक मिनट पानी येतो मैदानावर, थांबा जरा भूपेश सर, एडगड पाणी येतो, एक मिनट थांबा. तर या ठिकाणी अमित सर अतिशय चांगलं समालोचन करतात हिंदीचे बादशाह. तर 2 षटकं समाप्त होत आहेत, संघाची धावसंख्या 29 अर्थात 14.5 सरासरी. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये कमीत कमी 30 धावा तरी येणं गरजेचं आहेत, कारण एक बलाढ्य संघ श्री गणेश दुश्मी संघ समोर आहे. दोन्ही फलंदाजांना आत्ता मात्र हाणामारी करावी लागणार आहे, कारण 50 ते 55 धावा
दुष्मी संघ समोर नक्की ठेवणं गरजेचं आहे, कारण समोर आपण पाहिलं होतं फलंदाज दुष्मी संघाचे 2-3 फलंदाज आहेत, 3-1, 2-3 क्रमांकाचे, 4th क्रमांकाचे 4 खेळाडू त्यांच्याकडे हुकमी इतके आहेत, ते कधीही सामना फिरवू शकतात. तर या ठिकाणी आता मात्र अनिरुद्ध आणि हर्षद यांनी प्रत्येक चेंडूवर हाणामारी करणं गरजेचं आहे, चेंडू सोडून बाकी नाहीत. तर या ठिकाणी पंच भूपेश आणि भूपेश घरत आणि संतोष घरत काम पाहतात. अतिशय कालच्या दिवसापासून चांगली कामगिरी या ठिकाणी आयोजक दिसत नाही आहेत. प्रवीण ठाकूर या ठिकाणी नाही आहेत. संदीप घरतसुद्धा या ठिकाणी दिसत नाही आहेत. निशाकर घरतसुद्धा दिसत नाही आहेत. आणि पूर्णतः सामन्याचा ताबा आयोजकांनी मला वाटतं अमित सर तुमच्याकडे ठेवलेला काम संतोष सर संतोषवर ताबा ठेवलेला आहे पूर्णतः. अरे आयोजक नाही आहे तिथे, सगळं तुझ्यावर ठेवलेलं आहे. तू पाणी पिण्याची काय समजा समजा तूच आता. तर मजाककडे आपण बोलतोय मी सर या ठिकाणी. तुम्ही सुद्धा चांगलं मजाक आणि जुन्या आठवणी दे जेव्हा आमच्या कानावर पोचवतं तेव्हा आम्हाला कधीतरी बरं वाटतं, कारण आम्हाला काल संघ खेळला त्याची आज आठवण राहत नाही. परंतु मी बऱ्याच वर्षापूर्वीच्या गोष्टी आम्हाला या ठिकाणी नक्कीच दाखवतो. मी तुमची कॉमेंट्री नेहमी ऐकतो. जे काही रेकॉर्ड असतात ते रेकॉर्ड तुम्ही आम्हाला दर्शवतात. तर या ठिकाणी माझे साथी रमेश घरत सरसुद्धा आहेत, तेसुद्धा मराठीमध्ये चांगलं खेळाडूंना तापवतात, त्यांच्या भाषेत म्हटलं तर तापवतात. तर त्यांना तापवण्यासाठी आपण चौथ्या षटकाकडे घेऊन जाऊ. परंतु या ठिकाणी तिसऱ्या षटकासाठी ओके बिलकुल विराज आहे. हर्ष स्ट्राइक के ऊपर है. हर्ष के बल्ले से निकला हुआ ये बमगोला और ये गेंद को लेके गए सीमा रेखा के बाहर. इस बार छक्का देखिए क्या खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाज के साथ. पैंतीस स्कोर बन चुका है. बोलिए 35 35 स्कोर बन चुका है. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही. ठोकम ठोक एक बार फिर से हर्षद लय में आ चुके. 35 स्कोर यंगस्टार खारपड़ा टीम का स्कोर 35. ओ हो 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 क्या ठोका है यार मिड विकेट के ऊपर. आहा आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का बक्का. हेलो हेलो स्कोर है 40 के घर में. हर्षद काफी आक्रामक मूड में आए हैं और उनकी बैटरी डबल चार्ज हो चुका है. नहीं एक रन का प्रॉब्लम हुआ है. 28 थे. माफ कीजिए 41 होता है. अरे यार ए भैया ऐसा डालेगा ना शाम को सोएगा नहीं तू. बहुत बहुत लंबा लंबा ऐसा लगता है. चलो और मुझे लग रहा है कि हर्षद की गाड़ी चल पड़ी है. पम 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 वाह क्या बल्लेबाजी. बहुत बढ़ गई. बहुत बढ़िया. ऐसा लग रहा है नहीं ऐसा लग रहा है कि इंजन गर्म ही हो चुका है. शोले पिक्चर का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है. नहीं नहीं कितना बढ़ गया. अभी तो स्कोर लगभग देखा जाए 47-47. हर्षद कितने बढ़ गया. हर्षद का हर्षद का व्यक्तिगत देखा जाए तो मुझे लग रहा है वो शायद 20 रन पे खेल रहे 3 छक्के और 2 सिंगल. मांगता ना मेरा 50 कभी होने वाला है. अभी उसके ऊपर हम तो क्या कहने वाले हैं. ज्योतिष बताते रहते भविष्य क्या है मालूम नहीं है. लेकिन इस बार देखिए मामला बनेगा आउट.
नजर लग गई है किसी की पनवती लगी पता नहीं लेकिन खिलाड़ी वापस आ रहे हैं चाहिए लगता है चाहिए और हर्ष जैसे बल्लेबाज 20 रन बना के ड्रेसिंग रूम में वापस आ रहे बड़ी मछली जाल में फंस गई है और जिस विकेट की तलाश थी इस बार देखा जाए श्री गणेश दुश्मी टीम को वही विकेट मिल चुकी है 20 रन की पारी समाप्त हो चुकी है और टीम का स्कोर देखा जाए तो 47 लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे नहीं बल्लेबाज और ये देखिए अच्छी विकेट कीपिंग और ये किनारा लगा आउट खिलाड़ी धन्यवाद डीजे धन्यवाद और 25 रन की पारी इस बार देखा जाए हर्षद के पास अनिरुद्ध वापस आ रहे दोनों बड़े विकेट दोनों शेर मैदान से वापस आ चुके और जंगल में इस बार देखा जाए श्री गणेश दुश्मी टीम के खेमे के अंदर खुशी का माहौल बढ़ता हुआ और इसी के साथ देखा जाए तो शायद जिन्होंने 25 रन का योगदान दिया है हर्षद के पारी का खात्मा होता हुआ और टीम का स्कोर 47 लॉस ऑफ लगभग देखा जाए तो शायद 3 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं सूरज शेवटची ओवर चालू आहे शेवटची ओवर मध्ये तीसरा ओवर चालू आहे तीसरा ओवर जारी है और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके सूरज भूपेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्या विराज की गेंदबाजी चल रही है जबरदस्त गेंदबाजी विराज की तारीफ करना पड़ेगी सिकंदर कसाई गेंदबाज ने आगे निकले और कह दिया भैया मैं भी तुझे मारूंगा और दिखाया आसमान गेंद को पहुंचा दिया है अंतरिक्ष यस बैंक मैक्सिमम और धन्यवाद इसी के साथ याद देखा था यंगस्टार खारपड़ा टीम के 50 यानी के 53 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके 3 विकेट के नुकसान पे पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीनों में जो नहाने वाले होते हैं वो इतिहास बदलते हैं हेलो मी का बोलतो है सर्वात लहान वयामध्ये पहिला षटकार मला असं मला वाटतं बिल्कुल मुझे लग रहा है शायद वो आते ही छक्के के साथ सूरज ने शायद इस गेंदबाज को एक आसमान दिखाया 53 पे स्कोर जा चुका है 3 विकेट के नुकसान पे यानी कि लगभग देखा जाए पहले ओवर में 14 दूसरे ओवर में 15 तीसरे ओवर में 24 और इस बार देखा जाए तो बची हुई आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए इस लॉग ओवर है कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे गेंदबाज का नाम है सुबोध के सामने उपेश छह गेंदे बाकी है यानी कि पारी का यह स्लॉग हो रही उम्बरडे और साई टीम हाजिर रही है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद थी आड़े बल्ले से खेलने का जगह से प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं बने और सफल वही होते हैं जिनका प्रयास मजबूती का होता है तो इसी के साथ इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 54 के घर में 54 लॉस ऑफ 3 अब सूरज आया है स्ट्राइक के ऊपर जिन्होंने एक अभी चढ़ के छक्का मार दिया और चढ़ के छक्का मारने की कला एक सौरव गांगुली साहब जी के पास थी जब निकल देते शायद अपना पॉपिंग क्रीज से बाहर तो गेंद को आसमान ही दिखा देते थे कलकत्ता जिन्हें शायद देव मानते थे आगे निकले लेकिन इस बार एलिवेशन कम है मिड विकेट के ऊपर और ये है कैच हाथ से छूट गई है बढ़िया इस बार रन चुरा लिया दो रन चुरा लिया ऐसा लग रहा था कैच पकड़ सकते हैं मिड विकेट खिलाड़ी और लेकिन स्कोर है 56 के घर में 56
56 स्कोर हो चुका है, 3 विकेट के नुकसान पे। व्हाट अ शॉट! देखिए इस बार जलवा दिखाया सिकंदर कसा और बमगोला परसा। और हेलो धन्यवाद जी। हेलो स्कोर है 62-62, 26 मान लिया हुआ 100 रुपए। 62 यार ये पतला है लेकिन गर्म है। नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है उसका गर्म बहुत 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 ऊर्जा बहुत है उसके पास खेलने की। युवा है ना, युवा खिलाड़ी के पास नया खून होता है और जवानी का जोश ही कुछ अलग होता है। झुकते हैं पर्वत भी कई कई, रुकते हैं दरिया भी कई कई, बस रुकती नहीं रवानिया और झुकती नहीं जवानिया, वही उसकी ताकत है। ये बस मैंने यही तो कह दिया, जवानी है। जवानी का शायद कोई घोड़ा हो जाए या बैल हो जाए या आदमी हो जाए, रुकता नहीं ठोकता है, उत्साह बढ़ता है। यस उसका रक्त रगत बहुत गर्म है। यस यस रगत रगत गर्म है, अपने भाषा में रगत होता है, हमारी अगली भाषा है। और एक बार फिर से चढ़ के आगे निकले तो यकीनन के साथ इस बार सामने मार दिया है, 4 रन ना बाउंड्री। क्या बल्लेबाजी, धाकड़ चल रही इस बार सूरज की। ठोकम ठोक ताबड़तोब नई रोक, ठोक की शुरुआत वारंवार वही प्रार, ललकार का प्रतिकारी ने रोकना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। हेलो ओके ओके डीजे डीजे ओके अंपायर ये बाउंड्री है ना। यस यस तो मुझे लगता है 66 स्कोर पहुंच चुका है, 66 66 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे, 2 गेंदे बाकी है। सुबोध और ये भी बाहर, क्या बल्लेबाजी यार इसकी सूरज की। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, आहा अंग में माता आई है। धन्यवाद। 72 रन, एक शेर तभी तेज दौड़ता है जब वो भूखा होता है। निकले लेकिन रूम नहीं, विकेट कीपर कैच कठिन है, लेकिन एक रन चुरा लिया और दूसरा रन भी चुरा लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन और ये 3 और ये 14 रन और थ्रो आए, ये 4 रन और ये 5 रन क्या होगा। और 4 रन दौड़ के पूरा कर दिया और 4 रन के साथ स्कोर जाता है, मुझे लग रहा है 76 के घर में। और जीतने के लिए श्री गणेश दुश्मी, इस बार देखा जाए श्री गणेश दुश्मी टीम को 77 रन की जरूरत है। और क्या बल्लेबाजी सूरज की, तारीफ करना पड़ेगी अपने टीम के लिए, उन्होंने योगदान दिया है। मुझे लग रहा है 28 रनों का योगदान दिया, नॉट आउट पारी खेली है, उसमें लगभग देखा जाए तो शायद 3 छक्के 2 बाउंड्री 1 डबल के साथ सूरज पीछे गए, लेकिन करंट जोर का दिया और झटका मजबूती का शायद बैठा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा शायद श्री गणेश दुश्मी टीम को। अरे सर तो असं नहीं अपने वाटत की लेट गेला आणि सेट झाला सूरज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है रूठे मामा हो, शायद हमारे हिंदी में कह सकते देर आए दुरुस्त आए। धाकड़ बल्लेबाजी इस बार, शायद मुझे लग रहा है अब 76 रन हो चुके, 77 रनों का टारगेट है। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी एक सुमधुर मराठी की कमेंट्री, का अलग अंदाज अपने स्टाइल से। खरोशी गांव के सुपुत्र हमारे बड़े भाई है इस बार रमेश गरत, इनके पास एक धाकड़ आवाज, एक अलग शैली। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये हमारे डीजे मास्टर है। तर हसरी मंडप आणि डीजे साउंड सिस्टीम दुश्मी प्रोपायटर देविदास देसले, जर आपल्याला कोणाला जर साउंड सिस्टीम पाहिजे असेल लग्न मंडपासाठी
किंवा अनेक कार्यक्रमासाठी पूजेसाठी तर जरूर आपण संपर्क साधा. अतिशय सुमधुर साऊंड सिस्टीम आहे हसरी मंडप आणि डी जे साऊंड सिस्टीम दुष्मी प्रोपरायटर देविदा देसले यांच्याशी आपण संपर्क साधा. आणि याच्यानंतर ज्या मॅचेस होतील एक सेमीफायनलची आणि एक फायनलची ती फक्त दोन षटकांची राहील. तर लाईनअपमध्ये मैदानावर उतरता यंगस्टार खारपाडा. तर आजच्या दिवसातला हा सुपर थ्रीचा शेवटचा सामना यंगस्टार विपक्ष श्री गणेश दुष्मी असा सामना सुरू आहे. आपल्या माहितीसाठी पहिल्या दिवशी उंबर्डे संघाने हा मैदान गाजवलंय, दुसऱ्या दिवशी गावदेवी साई संघाने हा मैदान गाजवलंय, तर गुरु कंपनीच्या दुष्मीमधून हा मैदान कोण गाजवेल हा आलेला काल सांगेल. तर मी मायक्रोफोनवर घेतोय एक मराठीचे बादशाह रमेश घरत. ऑल टू रमेश घरत. धन्यवाद एक बार फिर से. 77 रनों का टारगेट श्री गणेश दुष्मी टीम को जीतने के लिए यह बड़ा टारगेट रखा है. और सलाम मीर जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए तुषार और उनका साथीदार अमोल अमर जा रहे. तुषार अमर ये जोड़ी यंगस्टार खारपाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने जोर दिखाया. 76 रन इकट्ठा किया 77 रनों का टारगेट. इससे पहले हम साई कप्तान और उम्बर्टे कप्तान को सूचित कर रहे कि आप उपस्थित है तो कृपा करके कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है शायद लकी ड्रॉ किया जाएगा और उसके बाद एक सेमीफाइनल का मुकाबला होगा और उसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा. पहले दिन में उम्बर्टे टीम आई, दूसरे दिन में साई टीम आई और तीसरे दिन में इस बार देखा जाए ग्रुप ग्राम पंचायत के माध्यम से खेले जाने वाली शायद ये अंतिम मुकाबला यंगस्टार खारपाड़ा बनाम श्री गणेश दुष्मी. 77 रन चाहिए जीतने के लिए. कांटे के टक्कर का मुकाबला है, संघर्षपूर्ण मुकाबला है, छोटा मोटा मुकाबला नहीं है. तो आगे मुकाबले शायद तीन ओवर के रहेंगे मुझे लगता है, सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला. या थोड़ा सा इस बार हमारे शायद देखा जाए वेला पत्रक में बदलाव किया है टाइम टेबल में. कौन बनेगा ये ट्रॉफी का हकदार? फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2019 का खारपाड़ा के गांव के माध्यम से किया हुआ यह आयोजन है. मुझे लग रहा है कि शायद निर्धारित 24 गेंदों में 4 ओवर में जीतने के लिए 77 रन चाहिए और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज यंगस्टार खारपाड़ा के आए हैं, जिन गेंदबाज का नाम है राकेश. बॉल दीजिए और एक बॉल आई ना भूपेंद्र जी अपने पास. संतोष गर्द और भूपेश गर्द इस मैच की मध्यस्थी है. बिल्कुल जो शायद मुझे लगता है उम्बर्डे और इस बार देखा जाए तो शायद साई, उनके जो खिलाड़ी है उनको हम विनती करते हैं जो उनको मैन ऑफ द मैच मिला है वो टी शर्ट है वो आपको प्रदान करना पड़ेगा. अगर आपके पास नहीं होगा तो 2 रन की पेनल्टी है, ध्यान में रखिए. और अच्छी गेंद क्या देखो कुछ नहीं, आवाज तुम्हें आया होगा लेकिन मुझे तो अंपायर का डिसीजन क्या है. अंपायर आप दोनों जांच कीजिए उनके ऊपर नहीं भूपेश जी. यस विकेट कीपर को शायद भास हुआ होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें भी लगा लेकिन यह संपर्क मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है. नहीं नहीं आप बोल सकते हैं इससे मैं सहमत है. यस 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 मेरे ध्यान में है वो, उस पर कोई टेंशन नहीं है. उन्होंने अपील आपके सामने जोर से किया है लेकिन मैं शांत ही था वहां. और ये देखिए स्लोवर गेंद जरूर फेंकी थी लेकिन यहाँ लगभग देखा जाए तुषार को कुछ समझ नहीं सका
और डॉट गेंद की डॉट गेंद चली गई है। छिहत्तर रन चाहिए 76। अभी तक का दो मुकाबले, एक सेमीफाइनल एक फाइनल है। और गई, लग रहा है ये क्या होगा, ये वन बाउंड के साथ पकड़ लिया, बढ़िया से अट्रैक्शन। वाह क्या फील्डिंग की है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आकर गेंद को शायद उठा दिया, डीप्स करने के ऊपर गेंद आई थी। त्याज मिली सन्मान्य तुकाराम घरत साहेबांना विनंती असेल, तुकाराम घरत की आपण आमच्या मंचावर यायचं, आपलं हार्दिक स्वागत असेल, आपली जागा आमच्या स्टेजवर आहे। तुकाराम घरत प्रतिष्ठित तुकाराम भाऊ घरत यांना विनंती असेल, आयोजकांच्या वतीने आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन असं व्हावं। हवा में कॅच, ओ शानदार कॅच लिया, बड़ी मछली जाल में तुषार, बैक टू द पवेलियन, स्कोर है 2-1 विकेट के नुकसान पे इस बार श्री गणेश दुश्मी टीम। धन्यवाद धन्यवाद डीजे डीजे मास्टर। या ठिकाणी उंबर्डे संघ उपस्थित आलेला आहे, आयोजकांच्या वतीने त्यांचं स्वागत आणि आपल्यास विनंती असेल, मॅन ऑफ द मॅच किताब घेतलेला टी शर्ट प्रदान करून आला नसाल तर आपल्याला 2 रनची पॅनल्टी असेल। याच वेळी सतीश ठाकूर यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर यायचं आहे। सतीश ठाकूर आपण या, आणि कृपा करून जे व्यतिरिक्त आमचे मित्र कोण असतील त्यांना विनंती असेल, आता आपण या मंचावरील ज्या चेअर आहेत ज्या कुर्सी आहेत त्या पण सोडायचे, कारण पाहुण्यांचं आगमन होणार आहे। नाही बल्लेबाज पोहोच चुके आहे, बॅट्समन इज नेम मयूर। और एक बार फिर से, और ये देखिए शायद शॉर्ट मिड विकेट, बिल्कुल या मिड विकेट के खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग कर रहे, देखिए मगर इस बार 2 रन चुरा लिया और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाता है 4 के घर में। अमर जिन्होंने 2 रन के साथ खुद का खाता ओपन कर दिया है, 4 स्कोर। रनों की जरूरत है, छक्के और चौकों की जरूरत है। और ये हवा में लॉब किया है लेकिन मुझे लग रहा है नोमैन्स लैंड में गेंद जा रही है और गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए जानदार शानदार चौका। धन्यवाद डीजे। स्कोर है 8 के घर में। याच वेळी सन्माननीय प्रशांत घरत यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण मंचावर या, प्रशांत घरत ग्रामपंचायत सदस्य। या ठिकाणी प्रमुख अतिथी ग्राम दुष्मी ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत भाऊ घरत या ठिकाणी येत आहेत, आयोजकांच्या वतीनं त्यांना विनंती असेल आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन असण्याचं। तसेच आमचे त्यांच्या समवेत दिल्लीचे भाऊ ही आलेले आहेत हा सामना बघण्यासाठी, तुमचं आपलंही स्वागत असेल, आपण सरळ समालोचन कक्षामध्ये येऊन असं असतं व्हायचं आहे। अब तो शायद जीतने के लिए 18 गेंदे और टीम को अभी तक रन चाहिए मेरे हिसाब से। उनहत्तर रन की जरूरत है, 69 रन चाहिए, 69 रन चाहिए 18 गेंदों में, 18 चेंडूत 69 धाव पाहिजे। दूसरे गेंदबाज सूरज आए हैं, इंजन कब गर्म होगा, ये टुकू टुकू से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस खेल में मजा लाना, इस खेल में जान शान दिखाना है तो दिखाओ जलवा। फुल टॉस मुझे लग रहा है शायद नो बॉल है क्योंकि कमर की ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है, तो शायद अगली गेंद फ्री हिट की है, तो बल्लेबाज के लिए सुनहरा मौका है,
बल्लेबाज को बोनस है, बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर आजाद होते हैं, मगर इस दो रन के साथ स्कोर जाता है 10 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 67 रन चाहिए, 18 गेंदे और 67 रन चाहिए। ये गेंद फ्री हिट की गेंद है, काफी रोमांचक मुकाबला है, लेकिन मुकाबले के अंदर जान दिखाना है, शान दिखाना है। और क्या गेंद फेंकी है, और पिच वाली गेंद थी, नीचे रह गई है, कोई रन नहीं है इस गेंद के ऊपर। क्या जबरदस्त गेंद, दिमाग के साथ इस गेंद को फेंक दिया है। और जब खेल है दोस्तों, पहलवानों का खेल नहीं है, खेल ये दोस्तों तकनीकों का खेल है, ये ध्यान में रखिए। सूरज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। शॉर्ट पिच टप्पा, सूरज को दिखाया आसमान, और शॉर्ट पिच टप्पा का समाचार लिया और गेंद को पहुंचा दिया है। इस बार डीप स्क्वायर लेग बंडलन के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल 16 स्कोर, 16 स्कोर पहुंचा है, 16 रन एक विकेट के नुकसान पे श्री गणेश दुश्मी टीम का स्कोर है। यंगस्टार खारपड़ा टीम ने टोटल 76 रन इकट्ठा किया है, 77 रनों का टारगेट है। और एक बार फिर से अपने जगह से खेला है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, मगर सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 17 के घर में। यानी कि अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से शायद यहां टीम को जीतने के लिए 60 रन की जरूरत है, 60 रन चाहिए। और 60 रन जब इकट्ठा करना है तो बल्लेबाजों को छोर बदलना पड़ेगा। फुल टॉस गई, फुल टॉस का फायदा उठा दिया है यहां डीप मिड विकेट के ऊपर, एक और बूम 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 चक्का। धन्यवाद डीजे, तर याच वेळी सन्माननीय समाधान घर यांचं सुद्धा आगमन झालं, त्याला विनंती असेल की आपण या मंचावर, आपलं स्वागत आहे। 30 छक्के के साथ स्कोर है 23 के घर में, इसी के साथ लगभग देखिए यही जोर दिखाना पड़ेगा, यही सिकंदा कसना पड़ेगा, और यही इस बार देखा है जश्न मनाना है आपको। तो ऐसे ही बल्लेबाज, ऐसे ही प्रश्न के उत्तर, और ऐसे बिग बिग छक्के मारना पड़ेगा। स्कोर है इस बार 23 के घर में, एक विकेट के नुकसान पे श्री गणेश दुश्मी टीम का स्कोर। ऑर्गेनाइज भाई हमारे संदीप घरत, इस बार निशाकार घरत और प्रवीण ठाकुर। फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2019 का शानदार आयोजन किया है संदीप जी घरत, निशाकार घरत और प्रवीण घरत, प्रवीण ठाकुर माफ कीजिए। तो इस बीच ये मौका था, मगर सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर गया है 24 के घर में। चौबीस स्कोर पहुंचा है 24। और ये लॉब किया है, कैच होगी, कॉटन बॉल अपने पलोत्र में जाकर के इनको पकड़ लिया, विकेट नंबर यार इस बार देखा जाए दूसरा ड्रेसिंग रूम ने, और बल्लेबाज वापस आ रहे इस बार देखा जाए तो आमर मैदान से बाहर। हेलो डीजे मास्टर, डीजे मास्टर अजून 3 सामने व्हायचे आहेत। यंगस्टार वाले चलो वेल लावू नका, यंगस्टार
वेळ लावू नका, अजून तीन सामने व्हायचे आहेत. तो शायद एक 13 रन की पारी अमर की समाप्त हो चुकी है. एक बड़ा धक्का लगा इस बार शायद देखा जाए श्री गणेश दुश्मी टीम को और यंग स्टार खारपड़ा के ये शायद गेंदबाज को जब इस्तेमाल किया सूरज गाण्यासाठी एक मिनट. तो जीतने के लिए 12 गेंदों में 53 रन चाहिए, 12 चेंडू 53 धावांची गरज है. डैरवली चमचे भाऊ आणि प्रशांत आणि कैलासचे साडू यांच्याकडून संतोष साठी 50 रुपयाचं बक्षीस झालेलं आहे. धन्यवाद. पुन्हा एकदा चांगला डान्स करावा. सॉरी 100 रुपये झालेले आहेत, चुकून 50 बोललो, परंतु पुढचा डान्स चांगला झाला पाहिजे आणि उडी मारून डान्स. टोटल स्कोर आहे 24-76 रन और 77 रनों का टार्गेट यंगस्टार खारपाडा टीम ने. बिल्कुल. तो ये शायद फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2019 का खारपड़ा में शानदार आयोजन किया है. संदीप घरत हमारे ऑर्गेनाइज भाई है, निशाकर घरत और प्रवीण ठाकुर, इन्होंने बड़ी मेहनत ली है और मेहनत के तौर के ऊपर ये ट्रॉफी का बॉल बाल तीसरा गेंदबाज है. गई बहुत ही लंबा छक्का और पहुंचा दिया गेंद को बैकवर्ड स्कर लेग ऊपर से और गेंद सीधी गई है हवाई यात्रा पे एयर होस्टेड को पप्पी लेने के लिए. हेलो चौमी, आपल्यासाठी एक बक्षीस आलेला आहे. संजय घरत फ्रॉम एन फ्रॉम खारपाडा शिवसेनेचे कट्टर 100 रुपये हॅट्रिकसाठी. 11 गेंदे 47 रन और ये देखिए शॉर्ट पॉइंट लेग फुटबॉल खेला आए और एक रन चुरा लिया दूसरा. अरे यार, अरे ये देखिए ये रन आउट तो तू मैं चली और अंत में शायद बल्लेबाज फिसलने के बाद या घाटा हुआ आ बैल मुझे मार बजाओ मास्टर डीजे लगाओ. YouTube वाले सतीश ठाकुर यांच्याकडनं 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. सतीश ठाकुर यांच्याकडनं संतोषसाठी 100 रुपयाचं बक्षीस. एक चांगलं डान्स पाहायला मिळत आहे. बिलकुल रुपेश आहे हे और यार को लाईन की गेंद थी. क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र ऑन ड्राइव किया आहे, दूसरा चुरा लिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और इस दौरान के साथ देखा जाए तो शायद या श्री गणेश दुश्मी टीम का स्कोर जाता है 33-33 के घर में. 33 स्कोर बनता हुआ 44 रन चाहिए जीतने के लिए अभी तक. ओहो पहुंचा दिया गेंद को सही ठिकाने में और गेंद गई इस बार शायद हाईवे सड़क पे. विजय मास्टर स्कोर सांगा अमित सर. अमित सर स्कोर स्कोर आहे 39 के घर में 39. तर या ठिकाणी षटकारासाठी फलंदाजासाठी एक चांगली पुकार आलेली आहे. आमचे सहकारी मित्र ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत घरत यांच्याकडून हॅट्रिक सिक्ससाठी 300 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. एक षटक मारलेला आहे, एक षटकार मारलेला आहे, अजून दोन षटकं मारली तर 300 रुपयाचं बक्षीस ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत घरत यांच्याकडून. 8 गेंदे 38 रन और ये एलिवेशन कम है लॉन्गॉन खिलाड़ी और उसका आज का दिन है और आउट खिलाड़ी.
कैमरा यूट्यूब बिल्कुल मुझे लग रहा है गोवा बीच के ऊपर वो वेस्ट इंडीज वाले आते हैं ना हाई साई डांस उधर के ही है ना हमें सर अपन नेहमी पाहत असतो आपल्या भागात मॅचेस झाल्या की हा संतोष कलाकार असा हौसी नौसी कलाकार आहे समाजसेवा आणि त्याचे चांगले गुण आहेत चांगला नाच प्रेक्षकांचे मनोरंजन तरी नक्कीच चांगला करतो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि संदीप अगर संतोष वेस्ट इंडीज में जा सकते हैं तो वीरेंद्र जी बोल सकते तू किधर था भारत में क्यों था लेकिन इस बार स्कोर है 39 के घर में और मुझे लग रहा है आप जीतने के लिए 38 रन चाहिए 7 गेंदों में नए बल्लेबाज आ चुके हैं अक्षय और ये देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद भाग गई है छा रही है वन बाउंस टू बाउंस थ्री बाउंस के साथ आखिर बॉल की बढ़िया सेटेक्शन हुआ है और तीसरा रन चुराने के प्रयास में और ये तीसरा रन चुरा लिया चौथा रन मगर तीन ही रन और तीन रन के साथ स्कोर जाता है 42 यानी कि 42 के घर में छह गेंदे बाकी अभी तक और टीम को अभी तक जीतने के लिए लगभग यहां देखा जाए तो शायद जरूरत है 35 रन की 35 रन इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं है छह गेंदों में 36 रन आए हैं लेकिन पांच गेंदों में 35 रन आए हैं दोस्तों वो कारनामा गो इस बार देखा जाए केलो ने बनाम साई के मैदान के ऊपर हुआ था दी गाड़ी के बीच जो मुकाबला हुआ था पांच गेंदों में 35 रन इस बार देखा रूपेश मात्र दी गाड़ी के उन्होंने बना दिए थे वो एक चमत्कार हुआ था आप छह गेंदों में जीतने के लिए 35 रन चाहिए बरोबर है अमित सर अपन पाहिलं होतं केलवणे आणि दिघाटी अक्षरशः दिघाटीचे प्रेक्षक नाराज होऊन मैदानातून बाहेर गेले होते परंतु जेव्हा लगातार एक मला वाटतं नो बॉल झाला आणि सहा चेंडूमध्ये 37 धावा काढल्या होत्या त्या फलंदाजांनी आणि पुन्हा एकदा प्रेक्षक आपले टी शर्ट काढून मैदानामध्ये अक्षरशः हंगामा केला होता तर या ठिकाणी आपण पाहतोय दुष्मी संघ आणि त्यांचे संयोजक आयोजक नक्कीच हंगामा करतील का आलेला कालच सांगेल बिलकुल अगर वो कारनामा दोबारा हो सकता है तो ये हंगामा जरूर कहेंगे लेकिन तीन लगातार छक्के मार सकते हैं तो सतीश ठाकुर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम है बल्लेबाज के लिए लेकिन आए आखिरी गेंदबाज हर्षद समीर के इस ओवर में 8 ट्राई हर्षद सटी हैट्रिकला संजय घरत यांच्याकडून 100 रुपये बक्षीस सतीश ठाकूर इनके तरफ से 200 आणि तुकाराम भाऊ करत यांच्याकडून 500 मात्र हा चेंडू निर्धाव जातोय सरळ विसावतोय यष्टी रक्षकाकडे आणि हा निर्धाव चेंडू आता मात्र अमित सर पूर्णतः मी म्हणेन दुष्मी संघाने नांगी टाकलेली आहे कारपड संघ कारण जे धावा पाहिल्या होत्या असं वाटलं होतं की नक्की चेसिंग करतील परंतु या ठिकाणी अडचणीत अडकलं दुष्मी संघ मी म्हटलं होतं की दुष्मी संघ सुद्धा एक बलाढ्य मी माझ्या शब्दातून म्हटलं होतं की ठाणा विपक्ष रायगड असा सामना आहे हर्षद हर्षद येतो पुरतो चेंडू थोडीशी उंची घेतलेला चेंडू चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर षटकार और अभी तक जीतने के लिए 29 रन की जरूरत है चार इस बार गेंदों में मुझे लग रहा है चार गेंदे 29 रन वहां अक्षय कह रहे दोनों कप्तान आई है उमबर्डे कप्तान और साई कप्तान उमबर्डे कप्तान और साई कप्तान देखिए एक बार फिर से डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं सरपटी गेंद थी दो रन चुरा लिया इससे कुछ होने वाला नहीं मुझे लग रहा है और दो रन के साथ स्कोर जाता है 50 रन पूरे हो चुके हैं अब तो जीतने के लगभग देखा जाए तो शायद 27 रन की जरूरत है उमबर्डे कप्तान और साई कप्तान आपको विनती का यह दूसरा पुकार है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स संपर्क कीजिए और ये हवा में लिया कैच सुंदर कैच और इसी के साथ काउ कॉर्नर के क्षेत्र में और विकेट को चलता कर दिया अक्षय मैदान से बाहर और बची हुई मुझे लग रहा है इस मैच की औपचारिकता बाकी है रुपेश बाहर आ चुके माफ कीजिए और नए बल्लेबाज जा रहे हैं आज है अब दो गेंदे मेरे हिसाब से बची हुई है क्या दो गेंदे बाकी है इससे कुछ नहीं हो सकता
इससे एक ही 27 रन दो गेंदों में आ नहीं सकते। मैच लगभग देखा जाए यंगस्टार खारपड़ा के कप्तान ने अपने झोली में डाली है और कह दिया है हवा में। हो छोटू ने अच्छा कैच पकड़ लिया, मानना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगी। और इसी के साथ देखा जाए तो आज हैट्रिक चांस है, अभी देखते हैं हैट्रिक नहीं ना, अभी एक गेंद एक हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक का मौका है इस बल्ले गेंदबाज के लिए। यस, और हैट्रिक संपादन किया है देखिए, और मुझे लग रहा है 3 विकेट उन्होंने लिया है। गेंदबाज का नाम है हर्षद ने, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर इस मैच का मैन ऑफ द मैच